जहां इन दिनों बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुशांत केस के बाद लगातार ड्रग्स को लेकर खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, जिससे बॉलीवुड इंडस्ट्री को दो भागों में बांट दिया, तो वहीं दूसरी तरफ छोटे शहर के युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने के लिए सीक्रेट पॉकेट मार के डायरेक्टर ने बड़ी ही खूबसूरती से अपनी आने वाली फिल्म सीक्रेट पॉकेट मार में जातिवाद जैसी कुरीतियों को खत्म करके देश को विकास की राह पर ले जाने के लिए एक अहम कदम उठाया। वहीं सीक्रेट पॉकेट मार के डायरेक्टर कृष्ण कुमार उपाध्याय ने हमारे संवाददाता विक्की सिंह के साथ हुई खास बातचीत में अपनी आने वाली फिल्म के बारे में चर्चा की। सर, आप हमारी जनता को अपना परिचय दे सकते हैं? जी, सबसे पहले मैं कृष्ण कुमार उपाध्याय एक फिल्म मेकर हूँ और आपकी लखनऊ की सरजमी पे आया हुआ हूँ एक फिल्म की शूटिंग के दौरान। और इससे भी पहले मैं आपकी आपका जो चैनल है खबरों की दुनिया, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके माध्यम से लोगों को बताना भी चाहूँगा कि विगत अक्टूबर माह से पूरे एक महीने का शेड्यूल जो मेरा लखनऊ में है, लखनऊ शहर में शूटिंग के लिए मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पर। और चूँकि जाहिर सी बात है कि अवध नगरी जो है एक तहजीब की एक मिसाल कायम करती है, जिसको लेकर के पूरी टीम के साथ मैं बहुत जल्दी शूटिंग ओपन कर रहा हूँ फिल्म सीक्रेट पॉकेट मार। सर, आपका परिचय? मैं अरविंद तिवारी। हाँ जी। और डायरेक्टर साहब के इस मूवी में मैं विलेन का किरदार निभा रहा हूँ। और बेशक जो सर का ये मूवी है एक देश दुनिया को एक नए आयाम में परिवर्तित करने के लिए समाज की रूढ़िवादिता से लेकर के समाज की समस्याएं क्या हैं, कैसे हैं, इन सब केंद्र बिंदुओं पे इस विलेन का विशेष बड़ा दबाव है। सर, आप इस फिल्म का उद्देश्य बताएंगे हमें, हमारी जनता को? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो मैं मूवी बना रहा हूँ, सिनेमा बना रहा हूँ, सिनेमा एक समाज का बहुत बड़ा आईना होता है और इस आईने के संदर्भ में जो भी फिल्में आई, मैं किसी भी फिल्म का मैं बुराई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब भी कोई भी फिल्म मेकर एक सिनेमा बनाता है तो एक समाज को लेकर के, एक अच्छी कहानी को लेकर के, एक अच्छी मेकिंग करना चाहता है, एक अच्छा दिशा निर्देश देना चाहता है समाज को। और चूँकि हमारा समाज भी, हमारा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरा ऑल वर्ल्ड, अगर वो सिनेमा प्रेमी है, सिनेमा देखता है, तो कहीं ना कहीं से उसको एक कुछ न कुछ चीज़ें ज़रूर दिखाई देती हैं। हर एक कहानी में कोई ना कोई तथ्य छुपा होता है, बस फर्क ये होता है। मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा, अपने देश के जनता को ये बताना चाहूँगा कि उस सिनेमा को देखने के साथ साथ, चूँकि हर जगह पे कहीं अच्छाई है तो बुराई उसके साथ चलती ही रहती है, तो बुराई को छोड़ करके उस अच्छाई का सामना करें और उस अच्छाई का पीछा करें, ये सिनेमा का मेन उद्देश्य बनाने का। सर, जो आपकी आगामी फिल्म है, इसके माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सीक्रेट पॉकेट मार, इसकी शूटिंग अभी अक्टूबर से शुरू भी कर रहा हूँ और इसका रीशेड्यूलिंग है। इसके पहले मैंने मई में कर भी चुका हूँ इसका शूटिंग, पिछले मई को 19 में, जो 30% शूटिंग कंप्लीट भी कर चुका हूँ। जहाँ तक बात रह गई कि सिनेमा का मेन उद्देश्य क्या है, कहानी जो है इसका परपक क्या है, लेकिन मैं यूथ को लेकर के शुरू से ही लड़ता रहा हूँ और आज भी लड़ रहा हूँ। ऑलरेडी मैं भी यूथ हूँ, तो जाहिर सी बात है कि युवक होने की वजह से और एक भारतीय नागरिक होने की वजह से सबसे पहले हमारे यहाँ की न्यायपालिका, हमारी न्याय व्यवस्था है, हमारे जो क्राइम प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, हमारे समाज में तमाम ऐसे विक्षिप्त लोग होते जा रहे हैं, तमाम ऐसी गतिविधियाँ होती जा रही हैं कि जो हमारे समाज को एक बहुत ही रुकावट पैदा करती हैं और रोध पैदा करती जा रही हैं, चाहे राजनीतिक स्तर से हो, चाहे सिनेमा जगत से हो, या चाहे बिजनेस जगत पे हो, या कॉरपोरेट जगत से हो, कहीं से भी हो, क्राइम हर जगह बरकरार चल रहा है और उसको अपना एक नई, प्रतिदिन नहीं बल्कि पर सेकेंड एक नई जन्म ले रहा है। तो इस ज़्यादा तो नहीं अभी कुछ मैं बता सकता हूँ, क्योंकि सिनेमा बहुत जल्द ही आने वाली है आप सभी दर्शकों के बीच में, लेकिन इसके माध्यम से मैं एक ही चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि क्राइम पैदा कहाँ से होती है और क्यों होती है और इसका खत्म कैसे, खात्मा कैसे किया जा सकता है। क्योंकि जब भी हमारी कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी राजनेता होते हैं, बोलते हैं मेरे यूथ ही देश के भविष्य हैं, लेकिन मैं उनसे सवाल करूँगा सिनेमा दिखाने के बाद कि आपके यूथ ही आपके देश के भविष्य कैसे हो सकते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है, आपकी जो ये आगामी फिल्म है,
इसमें आप नए चेहरों को मौका दे रहे हैं? देखिए, खासतौर पर लखनऊ में काफ़ी अत्यधिक कलाकार इसमें इन्वॉल्व हैं, काफ़ी कलाकार जो एक अच्छे थिएटर से आर्टिस्ट हैं, जिनको कहीं प्लेटफार्म नहीं मिल रहा है, तो हमारी कंपनी, हमारी राजमन फिल्म्स उनको बहुत ही अच्छे ब्रेक दे रही है काफ़ी कलाकारों को, और उत्तर प्रदेश के काफ़ी जिनको कहीं से प्लेटफार्म नहीं मिल रहा है। और आज भी मैं ऑफर देता हूँ कि जितने भी उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं और उनके अंदर वह क्षमता है, वह गुण है, तो आज भी वो आपके माध्यम से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनको प्लेटफार्म देने का काम हमारी राजमन फिल्म की कंपनी, हमारी ऑल टीम उनको करती रहेगी और कर भी रही है और लाइफ टाइम करती रहेगी। सर, जो युवा फिल्म दुनिया में आना चाहते हैं उन्हें मौका नहीं मिलता, और वो जैसे कि छोटे गांव से होते हैं, छोटे शहर से होते हैं, उनके लिए आप इस अरे भाई, तो मेरा संदेश पहुंचाइए ना अपने चैनल के माध्यम से। मैं तो दे रहा हूँ, सीधे ऑफर दे रहा हूँ कि राधेमोहन फिल्म्स की कंपनी, हाँ जी हाँ जी, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत के गांव गांव तक, उन कोने कोने तक इस चीज को पहुंचाइए, और उन कोने कोने को लोगों को मेरा संदेश दीजिए कि लोग आकर के मुझसे मिले, और जिस लायक है उनको मैं काम हर संभव देने के लिए तत्पर हूँ, और हमारी पूरी टीम तैयार है। सर, आप इस फिल्म में से जुड़े हुए हैं, तो आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सर के साथ? एक्चुअल सर के बारे में तो मैं इतना ही बता सकता हूँ कि इस फिल्म के बेस पे, वैसे इसके पहले हमारे बहुत पुराने अजीज मजीद दोस्त भी हैं, हाँ जी, और हमारे इनके रिश्ते बड़े ही मधुर रहे हैं, और इस लखनऊ की सरजमी पे जब भी डायरेक्टर सर आते हैं तो बेशक इनको अकेले नहीं देखेंगे, हम दोनों एक साथ ही चलते नजर आएंगे। हाँ जी सर। तो लेकिन जहाँ तक इसमें पहुंचने की बात या इसमें आने की बात, ये डायरेक्टर सर का बड़ा प्रेशर था कि एक बार आपको हमारी फिल्म के लिए कुछ सोचना है और आपको करना है। तो मैं कहा कि अरे, मैं तो एक सामान्य व्यक्तित्व का व्यक्ति हूँ, और आपकी फिल्म इंडस्ट्रीज ग्लैमर की दुनिया की अपनी एक अलग कहानी बनाती है, तो इसमें हमको कहाँ आप वो करेंगे। तो राजू सर ने कहा, अखिलेश सर ने, कि आप जानते हैं हर वो चीज़ें कला है जो कि सबके जहन में पनपती हैं और बनी रहती हैं, आप एक बार तो आइए। तो ज़्यादा जद्दोजहद के बाद मैंने भी ठाना कि ठीक है, एक बार आऊँगा। लेकिन संजोग हुआ कि जब मैं इनके साथ जुड़ा तो लगा ही नहीं कि मैं इनके डिवीज़न, इनके राधेमोहन फिल्म की कंपनी में मैं एक एक्टर के रूप में आया हूँ। ये लगता कि परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूँ। जो प्यार मिला, जो मोहब्बत मिली, जो अपनापन मिला, मुझे एक भी नहीं पता था कि कंपनी में कौन कौन क्या क्या स्टेटस के एम्प्लॉई होते हैं, कौन किस बेस का होता है, कैमरामैन की क्या हैसियत होती है, फिर फाइट मैन मास्टर की क्या हैसियत है। लेकिन ये वो प्राइमरी अध्यापक का व्यक्तित्व निभाने वाले डायरेक्टर साहब हैं कि जो कि पीएचडी तक का अनुभव रखते हैं, और प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक का पूरा एक्सपीरियंस मुझे होल्ड करके, जैसे कहा जाता है ना कि कभी कभी हमने जो सुना था कहानियों से या यूं पेपरों से, ये सुना था कि डायरेक्टर जो होते हैं वो अपने आप में अपने तरीके से चलते हैं, लेकिन मैं जब डायरेक्टर साहब से फिल्म संबंधी प्रक्रियात्मक बातों पर चर्चाएँ किया, और फिर इन्होंने मुझे खुद बोला कि ऐसा है कि ये फिल्म नहीं है, ये हमारे आप या पूरी कंपनी का आपसी सामंजस्य का वार्तालाप है, आप इस फीलिंग से आप आइए, आप वर्किंग फीलिंग से नहीं आइए। मतलब बताया आपको कि प्राथमिक स्तर से लेकर के पीएचडी तक का कंसेप्ट मेरे माननीय डायरेक्टर साहब के बेस पे मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं तब से इनका ऐसा मुरीद हुआ कि अब मैं उस बेस को कह नहीं पाऊंगा कि जो अभी सर ने कहा ना आप लोगों से कि मैं तो ढूंढता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बेशक है कि सर बेशक ढूंढते रहते, आज भी कल भी जहाँ भी, जहाँ भी गए, लोगों से चर्चाएं हुई, लोगों ने इंटरेस्ट जाहिर किया, तो उन्होंने तुरंत ऑफर किया, आप आओ हमारे साथ, आओ आपके लिए हम देखते हैं, जगह निकालते हैं। आखिर यूथ के लिए, यूथ का व्यक्तित्व नहीं सोचेगा तो सोचेगा कौन? चूँकि ज़मीनी व्यक्तित्व के धनी हैं, इनको ज़मीन का अहमियत पता है, इसलिए ये ढूंढ रहे हैं। आना तो लोगों को चाहिए ना, आए और उसके बाद देखें दुनिया की सरगमी क्या होती है। अखिलेश उपाध्याय जी, आप इंडस्ट्री के एक
जाने माने डायरेक्टर हैं, जैसा कि युवा पीढ़ी अगर इंडस्ट्री में आना चाहे, क्या इंडस्ट्री में आने के लिए कोई शॉर्टकट है? इंडस्ट्री में आने के लिए शॉर्टकट भी नहीं कुछ है, और लंबी दूरी भी है। और जहाँ तक की बात कही जाए कि शॉर्टकट तो किसी ऐसी विभाग में, किसी ऐसे वर्ग में भी नहीं है। जब एक इंसान पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है और LKG से लेकर के MA BA जहाँ तक पढ़ता लिखता रहता है, तो उसके लिए भी एक समय लगता है जी। तो उसका एक पावदान होता है, एक प्रारंभिक सीढ़ियाँ होती हैं, और सीढ़ियों से चढ़ करके चलने में एक अलग आनंद आता है। और किसी को डायरेक्ट अगर जो आप उस जगह पर बैठा देते हैं, तो न वह व्यक्ति उस चीज़ की अहमियत समझ पाएगा और न उसकी कला को और निखार पाएगा, अपने व्यक्तित्व में अपने अंदर की कला को निखार पाएगा। तो इसके लिए तो ये कहना शॉर्टकट तो बड़ा ही नामुमकिन मैं कह पाऊँगा, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि शॉर्टकट में कोई भी चीज़ चली जाए जी। जैसा कि आपकी फिल्म का टाइटल है सीक्रेट पॉकेट मार, ये टाइटल अपने आप में बहुत गंभीर मैसेज देता है, ये ख्याल आपके दिलो दिमाग में कैसे आया? सीक्रेट पॉकेट मार तो एक बहाना है, और चूँकि हिंदुस्तान की क्राइम व्यवस्था, न्यायपालिका व्यवस्था, शासन प्रशासन जो भी अपनी लोकतांत्रिक चल रही है सारी सिस्टम, उनको देखते हुए कि हर जगह क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और हर जगह जेलों में जगह नहीं है कि कैदी इतने भरते जा रहे हैं कि जेलर खुद परेशान है, न्यायपालिका में जजों के पास, न्यायपालिकाओं में इतनी फाइलें पड़ी हुई हैं कि कईयों साल गुजर जा रहे हैं जिसका उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है, तमाम ऐसी चीज़ों को देखते हुए जो आज की क्राइम, यूथ के अंदर क्राइम की कूट कूट के भर्ती जा रही हैं, यूथ एक IS पीसेस बनने के लिए सोचता है, बीच में ही उसके रास्ते भटक करके क्राइम की दुनिया में चला जाता है, इसके पीछे कारण क्या है, इस पिक्चर के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ। सीक्रेट पॉकेट मार एक सब्जेक्ट को लेकर के एक बहाना, एक टाइटल मैंने ढूंढा, बाकी इसमें हिस्ट्री क्या है, एक स्टोरी बेस कल भारत पे जो एक गाज गिरता चला जा रहा है, भारत हमारा, हमारा एक देश, हमारा जो इसको सोने की चिड़िया कही जाती है, आज उसी सोने की चिड़िया में, आज उसी हमारे स्वतंत्र भारत में, आज जितने खूबसूरत भारत में प्रतिदिन क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है, ये पिक्चर के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ। वो तो समय आने पर हमारे ऑडियंस को, हमारे भारतीय जनता को, हमारे भारतीय सभ्यता को, हमारे भारतीय न्यायपालकों को पता चल जाएगा। हमारे युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा? अटल रहो, अजय रहो, कर्म करते रहो, फल की इच्छा छोड़ दो, कर्म के सामने भगवान भी झुक जाएगा, नेता और सरकार और मंत्री और समाज तो एक अलग की बात है। आप अपने फिल्म का कोई फेमस डायलॉग क्या हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? डायलॉग तो अभी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि फिल्म मेकिंग कोई ऐसी लाइन जो आपके दिलो जहन में दिन रात गूंजती है? बस पूरी हिंदुस्तान कहेगी मैं भी सीक्रेट पॉकेट मार हूं। थैंक यू सो मच सर।